तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू यूट्यूबर हो, आपके भी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पर 1K के सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते। दोस्तों, मैंने भी अपने चैनल पर 1K का सब्सक्राइबर कंप्लीट किया हुआ है बिल्कुल इसी तरह से, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए हुए हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सीधा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने YT स्टूडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो अभी टोटल 1162 सब्सक्राइबर हैं। इस तरह से आप अपने भी चैनल पर 1000 का सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं बैक, अब आ जाते हैं अपने क्रोम पे। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, एक वेबसाइट है जिसमें आपको लाइफ टाइम गारंटी के साथ एकदम चीप प्राइस में 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और वो कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पे। यहाँ से आप सिर्फ 1620 रुपये में सब्सक्राइबर खरीद सकते हो, वो भी लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो चलिए हम आ गए अपने क्रोम पे। क्रोम पे आ जाने के बाद यहाँ पे indianSMM.in लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे indianSMM.in करके सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसका वेबसाइट का जो लिंक है वो आ चुका है। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इसका जो वेबसाइट है ओपन होने लगेगा। सर्च कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन विद गूगल पे लॉगिन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। ईमेल आईडी डाल लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमें अपना पासवर्ड डाल लेना है, ईमेल आईडी का जो पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हो तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का जो पेज है यहाँ पे शो होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बैलेंस ऐड कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इंडियन का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे की तरफ आएगा तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पेटीएम ओनली पेटीएम ऐप पे रिकमेंडेड है, दूसरे ऑप्शन पे उस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का है जो कि और बार कोड है आ जाएगा। इसको आपको इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट ले लेने के बाद आपको इसे पेटीएम पर स्कैन करना है। स्कैन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, तो आपको ऑर्डर जो पेमेंट डिटेल्स है उस पर क्लिक कर देना है। पेमेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो आपको ऑर्डर आपके आईडी जो पेमेंट की उसके आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको फिर से उस वेबसाइट पर आ जाना है। तो चलिए हम वापस अपने वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आईडी है उसको यहाँ पर डाल देना है। डाल देने के बाद उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जितना पैसा डाला है उसको सिंपल से यहाँ पे डाल देना। जैसे मैंने 3300 रुपये इसमें पे किया, तो उसके बाद यहाँ पे पे के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका अमाउंट है जो एडिट हो जाएगा। आप तो अमाउंट आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। टॉप की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम 3 लाइन पे यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं चौथे नंबर। जैसे हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन फिर से आ जाएगा। तो आप यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू ऑर्डर का सेक्शन है जो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ आ चुका है करंट बैलेंस 33 रुपीज़। यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा जो बैलेंस है लिखा हुआ आ चुका है 33 रुपीज़। अगर आप डायरेक्ट अपना जो अकाउंट है उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका जो बैलेंस है वो शो करने लगेगा 33 रुपीज़। तो इस तरह से आपका जो बैलेंस है वो शो करने लगेगा। उसके बाद आपको न्यू ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा, तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पावर लिंक्स दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो सिंबल है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते हुए आना, स्क्रॉल करते हुए आना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिफिल। अगर आप नो रिफिल वाला लेना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपका सब्सक्राइबर डाउन हो गया तो इसको रिफिल नहीं होगा। और दूसरा यूट्यूब सब्सक्राइबर देख सकते हैं, इसमें आप
लाइफ टाइम गारंटी के साथ आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो सिंपल सब यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ जो एम्बल है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन ड्रॉप 100% गारंटी के साथ है। तो वहाँ पे आपके नीचे की तरफ तीसरे नंबर पे जो आएगा उस पर क्लिक कर देना। देख सकते हैं 1621 रुपये वाला, तो इसमें आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब अकाउंट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल लेते हैं। तो हम अब चले जाते हैं अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आ जाने के बाद अपने जो लोगो है उस पर क्लिक कर देंगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद योर चैनल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम योर चैनल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख ऊपर की तरफ से लिंक का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल से हमें उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। हमारा लिंक है वो कॉपी हो चुका है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ तो हम फिर से अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे लिंक पे से पेस्ट कर देते हैं अपने जो लिंक हमने कॉपी किया अपने चैनल का। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेते हैं। क्वांटिटी जितना डालेंगे हम कि उतना इसकी हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो हम यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर डाल देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि उन पर जो 1000 सब्सक्राइबर का प्राइस है वो 1621 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक शो करके दिखा देता हूँ कि मैंने एक ऑर्डर लगाया था वो कंप्लीट भी हो चुका। तो चलिए हम यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक कर देते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री पे चले जाते हैं। जैसे हम ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं 1600 रुपये इसका जो पहले प्राइस था जो कि बढ़ चुका है 1621 रुपये हो चुका। चार्ज जो मैंने पहले किया था वो 1600 रुपये में किया था, 21 रुपये इसका चार्ज बढ़ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हम एंड काउंटर 1096 सब्सक्राइबर मेरे को मिले थे, जो 96 सब्सक्राइबर पहले से मेरे थे। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है। तो हमारे जो सर्विस हमने जो कैंपेन रन किया था वो यहाँ से कम्प्लीट हो चुका है। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बाई कर सकते हो, वो भी बहुत चीप प्राइस में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो।